हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है वो हमारी व्यू स्पेशल है। व्यू स्पेशल मतलब आज की वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे व्यूज ने स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट करा था, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक आज वीडियो हमने बनाई है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आरडी शर्मा क्लास एट एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी घुमाई हुई है, तो हमें क्वेश्चन को समझने के लिए उसको दो तीन बार अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया, उसको मैथमेटिकली भी हमने लिख लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100। व्हेन अनूप वुड बी एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज इज नाउ। अनुज विल बी 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ वेन अनूप इज एज ओल्ड एज इज फादर। वॉट आर देर एजेस नाउ? बाप रे बाप, राइट। पता नहीं कितने वेरिएबल्स, क्या क्या कंडीशंस आ गई हैं इसमें। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था, मुझे तो लगा था ईजी सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल्स हैं, एक अनूप और एक अनूप के फादर, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा और देखा, तब मुझे पता चला दो नहीं तीन वेरिएबल्स हैं, एक अनूप, एक अनूप के फादर और एक अनूप का चाइल्ड अनुज। अनूप और अनुज डिफरेंट है। तो हम पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और उसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। अनूप और उसके फादर तो हमें पता है, तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लेट एज ऑफ अनूप बी एक्स, ठीक है। एज ऑफ अनूप्स फादर बी वाई, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं दो या तीन वेरिएबल्स लिखेंगे, बट हम इन दी एंड सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे देखते हैं। अब हमें बोला गया है फर्स्ट सेंटेंस में, सम ऑफ एजेस ऑफ अनूप एंड हिज फादर इज 100। तो क्या पता है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या हो गई, हंड्रेड माइनस एक्स। ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, वेन अनूप वुड बी एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज इज नाउ। क्या बोला इसमें, नहीं समझा। हम अनुज को लिखते हैं पहले, एज ऑफ अनुज बी जेड लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है, वेन अनूप वुड बी एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज इज नाउ। क्या बोला है, जब अनूप की एज उसके फादर जितनी हो जाएगी, मतलब वाई जितनी हो जाएगी, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज इज नाउ। तो पहले हम एक चीज लिखते हैं, वेन अनूप वुड बी एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ, मतलब वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन अनुज इज नाउ। तो 5 टाइम्स जेड, 5 टाइम्स अनुज इज नाउ। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बाय फाइव, और वाई की वैल्यू क्या थी, हंड्रेड माइनस एक्स। तो ये हो गया 100 - x बाय 5। तो हमने बोला अनुज की एज क्या हो गई, एक्स। अनुप फादर क्या हो गया,
हंड्रेड माइनस एक्स, और अनुज की एज हंड्रेड माइनस एक्स बाय फाइव। ठीक है, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी नेक्स्ट सेंटेंस से बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस को भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ आ जाएगा, देखते हैं। अनुज विल बी 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर। तो इसमें हम क्या क्या गादर कर सकते हैं? अनुज विल बी 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ। अनुज क्या है? 100 माइनस x बाय 5। तो अगर मैं नॉर्मल टर्म्स लिखूं, जेड किसके इक्वल होगा? 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ। अनूप की एज है एक्स, तो यहां पे आएगा x+8। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन गिवन है, व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनुज विल बी 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ। तो हमने लिख दिया अनुज, अनुज की एज जेड विल बी 8 years ओल्डर दैन अनूप इज नाउ। और उसके साथ क्या बोला? व्हेन व्हेन अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ। अब ये एक अलग हम देखते हैं, अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? अनूप की एज एक्स है, एज ओल्ड एज हिज फादर वाई हो गया। वाई की वैल्यू क्या थी? 100 माइनस एक्स। हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक्स है और ये 100 माइनस एक्स है, एज ओल्ड एज हिज फादर में हम कैसे आ जाएगा? 100 माइनस एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 100 माइनस 2x। आप इक्वल टू लगाना चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, बट आप इक्वल टू नहीं है क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हो कि अनूप इज एज ओल्ड एज हिज फादर, तो एक्स 100 माइनस एक्स का 100 माइनस 2x पे ही वुड बी एज ओल्ड एज हिज फादर, तो जेड प्लस 100 माइनस 2x। ये हमारी सबसे मेन इक्वेशन है, इसको अगर हमें सॉल्व कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। जो लास्ट इक्वेशन है जो हमारी बनी थी उसको मैंने यहां लिख दिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? जेड की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस x बाय 5 प्लस 100 माइनस 2x इज इक्वल टू x+8। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारा वेरिएबल है x और x का पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तो अनूप की एज मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो अनूप के फादर की एज मिल गई, और x की वैल्यू मिल गई तो अनुज की एज भी मिल जाएगी। x की वैल्यू देखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 100/5 माइनस x/5। इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2x को इधर ले गया और 8 को इधर ले आया, तो +92 इज इक्वल टू 3x। 100/5 मतलब 20, तो 20 प्लस 92 102 इज इक्वल टू 3x+x/5। तो एलसीएम लेंगे तो 112 इज इक्वल टू 5 3 15x+x, तो 16x/5 इज इक्वल टू 112, तो 16 7 112, एक्स की वैल्यू 35। तो अनूप की एज कितनी आई? 35 years। अनूप फादर 100 माइनस 35, 65 years, और जेड की वैल्यू 100 माइनस x 65/5 विच इज इक्वल टू 13 years। तो हमने देखा कि क्वेश्चन की जो लास्ट स्टेटमेंट थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा था, बट हमने एक दो बार पढ़ा, आराम से समझा, तो हमने उसको इजीली सॉल्व भी कर लिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा आपकी वीडियो बाकी लोगों तक भी जल्दी पहुंच सके। हमें कमेंट्स में ही बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।